हेलो एवरीवन नमस्कार क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स चैप्टर टू आज ह्यूमन रिसोर्स या पीपल एज ए रिसोर्स दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं वो है ह्यूमन बिंग्स पीपल यानी ह्यूमन जो उस कंट्री के हैं लेकिन क्या पैदा होते ही वो रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्कुल नहीं क्या पैदा होते ही और रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्कुल नहीं तो आज पढ़ेंगे हम लोग किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए पीपल वर्क करते हैं एज ए रिसोर्स आज का कंटेंट है इंट्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स स्टोरीज ऑफ सकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो तो पहला स्टेप से हमारा इंट्रोडक्शन introduction. इंट्रोडक्शन का मीन्स है पीपल एज अ रिसोर्स रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ स्किल एंड एबिलिटी आप किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर स्किल और एबिलिटी आ जाती है तो क्या होता है वो ह्यूमन बींग्स रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है रिसोर्स मीन्स वो सारी चीज़ें जो हमारे इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होती हैं हमारे इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शंस करती हैं ठीक है थीके? अगर वो उसके अंदर स्किल और एबिलिटी आ जाती है तो वो ह्यूमन बींग्स एज ए रिसोर्स हमारी इकोनॉमी के लिए एसेट्स के रूप में काम करता है लेकिन अगर उसके अंदर एबिलिटी स्किल नॉलेज नहीं है तो वही ह्यूमन बींग्स हमारी इकोनॉमी हमारे कंट्री के लिए लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व तो बन जाता है बोझ बन जाता है हम बात करेंगे किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है तो किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर आप ये तीन चीज़ें डालते हैं इंजेक्ट करते हैं तो वो ह्यूमन बींग्स एक कैपिटल के रूप में फॉर्म हो जाता है पहला है हेल्थ एजुकेशन और स्किल यानी कि ट्रेनिंग ये तीन चीजें किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर डाल करके आप उसको एज अ रिसोर्स में एज अ कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे देश के लिए एक प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं जैसे कि एज अ टीचर्स एक हमारा है टेलर मैकेनिक्स डॉक्टर्स ऑल आर द रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो पार्ट वर्क फोर्स इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो कि हमारे वो सभी ह्यूमन बींग्स जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वर्कफोर्स में इन्वॉल्व है उनको बोलेंगे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स ठीक है और एक ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू द एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हेल्थ मैंने ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता चुके हैं ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट इन चीज़ों के अंदर आप अगर किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर आप ये तीन चीजें इंजेक्ट करते हैं तो वो ह्यूमन क्या होता है कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि एज अ रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है और आपके कंट्री के लिए वो क्या करता है प्रोडक्शन करता है बेनिफिशियल होता है ठीक है आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग का है कि हम किस तरीके से एक ह्यूमन बींग्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने के बाद आगे के प्रोसेस क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ई रेवल्यूशन इसके बारे में हमें कोई जानकारी की जरूरत नहीं है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ग्रीन रेवल्यूशन क्या होता है जिसका मेन पर्पस होता है कि इंक्रीज इंक्रीज टेक्नोलॉज इंक्रीज द फूड ग्रेन ठीक है और ह्यूमन कैपिटल हैज बिकम द एक्वायर हायर पोजिशन दैट द मेटेरियल प्लांट एंड मशीनरी सबको करते हैं तो क्या होता है आई टी रेवल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है ठीक है तो इसको हम लोग यहां पे देखेंगे अगर डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो हायर इनकम करेगा भाई एडवांटेज टू द सोसाइटी एंड सुपीरियर टू द अदर दिसोर्स ये तीन चीजें ह्यूमन रिसोर्स के अंदर होता है भाई अगर वो किसी भी ह्यूमन बींगस अगर रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अंदर पहले तो अधिक से अधिक इनकम करेगा फिर उसके पास क्या होगा हमारे एडवांटेज इन सोसाइटी के लिए एडवांटेज होगा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो अच्छी चीजें हमारी सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करेगा एंड द ह्यूमन रिसोर्सिस दुनिया का सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है स्टोरी ऑफ सकल एंड बिलास के बारे में पढ़ते हैं क्या है भैया सकल एक एजुकेटेड पर्सन से उसके पास अच्छी जॉब है हेल्थ है स्किल है हायर इनकम है हायर प्रोडक्टिविटी और बिलास है जो कि अनएजुकेटेड है टू द सेल्फिश पेशेंस ऑफ द दर्थिस्टिक्स अनस्किल है लोअर इनकम है लो प्रोडक्शन है दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि भैया स्किल पर्सन इसके पास नॉलेज है हेल्थ है कैपेबिलिटी स्किल है और इसके पास नहीं है तो क्या करता है छोटा मोटा काम करके तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे अनस्किल्ड पर्सन हैं जिनको स्किल्ड पर्सन में कन्वर्ट करने की जरूरत है और जिस दिन हमारा देश अनस्किल्ड पर्सन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है उस दिन, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री का सबसे ताकतवर और सबसे बेनिफिशियल तो उसके लिए हमें सबसे पहले चीज की भैया एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए देश के अंदर एजुकेशन 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 एक ऐसा चीज है जो कि हमारे कंट्री के लोगों को सबसे पहला चीज कि वो क्या करेगा रिसोर्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा ठीक है तो इसमें क्या है अब बात करते हैं देखिए ये सब लोग पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ किसी न किसी, किसी फील्ड में जॉब करेंगे और किसी न किसी फील्ड में अगर जॉब करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा योगदान देंगे कुछ न कुछ योगदान देंगे प्रोडक्शन में एक्टिविटीज में योगदान देंगे देश के लिए कमाएंगे और देश के विकास में अपना हेल्पफुल योगदान देंगे एजुकेस्टेड परसेंट अंडर द वैल्यू ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रेन अब कहा गया है ना देखो कहा गया है कि इन एजुकेशन आप शिक्षा में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं तो आज के पेरेंट्स को आप समझाना चाहिए कि भाई आज के पेरेंट्स से समझ चुके हैं कि हमारे देश में बच्चों का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बच्चों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो एजुकेशन होना चाहिए और एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट वो पूरी लाइफ रिटर्न बनकर क्या करता है देता रहता है हम बात करें अगर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की तो हमारे देश के अंदर हमारे कंट्री के अंदर हमारे पूरे इकोनॉमी के अंदर तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है जिसमें है प्राइमरी सेकेंडरी एंड थर्सरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर पोल्ट्री फॉर्म फिशिंग हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री माइनिंग ठीक है ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंदर आती हैं यानी जो भी नेचुरल चीज से प्रोड्यूस होता है उसको बनाया नहीं जा सकता है वो क्या कहते हैं वही हमारा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री हमको वो लोग बोलते हैं इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज या इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से भी जानते हैं जहां पे हम लोग प्राइमरी गुड्स uh, को सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द मशीन्स जैसे कॉटन से कपड़ा बनाना अब बात करेगा टर्सरी सेक्टर की टर्सरी सेक्टर जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं और हमारे देश के अंदर सबसे मोस्ट फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है टर्सरी सेक्टर्स ठीक है अब बात करें अगर मार्केट एक्टिविटीज तो मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है प्रोड्यूस टू सोल्ड इन द मार्केट दैट कॉल द मार्केट हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं और उसको ले जाकर मार्केट में बेचते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज ठीक है नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होता है भाई ऐसी एक्टिविटीज जो कि हम लोग सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज घर में मम्मी खाना बना रही है या हम कोई चीज प्रोड्यूस करें अपने खाने के लिए मार्केट में न बेचने के लिए दैट्स कॉल्ड द नॉन मार्केटिंग ठीक है अब बात करें हम लोग नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है हमारा वाई आर द वुमेन्स इम्प्लॉयड इन द लो पेड वेज हमारे देश के अंदर जो employee, जो वुमेन्स uh, हैं उनको कम वेजेस पे क्यों वेजिसम्प्लॉयड नौकरी पे रखा जाता है बिकॉज ऑफ सम समीजन्स क्या क्या रीजन्स है तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं हम लोग पेड देयर वर्क इसकी जो अर्निंग है वो कैलकुलेटिव कैलकुलेटिवेसिंग एजुकेशन किसी भी पर्सन uh, की जो अर्निंग की एबिलिटी है उसके एजुकेशन कैपेबिलिटी स्किल पे डिपेंड करती है और हमारे देश के अंदर वुमेन्स में अभी भी इस चीज़ की कमी है जिस वजह से हमें पेट किया जाता है ठीक है यहाँ पे बात करें अगर हमारे देश के किसानों का फार्मर्स का या लेबर वर्क का तो उनको लेस इनकम है अगर वही स्किलफुल होता है जिसके अंदर एजुकेशन सक इंजेक्ट कर दिया जाता है वो हमारा क्या होता है हायर इनकम होता है लेस इनकम एंड हायर इनकम बोथ चाहे वो मेन हो या वुमेन्स हो उनके अंदर अगर एजुकेशन है हेल्थ है तो वो क्या है रिसोर्स है और जब रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए इसका मतलब है अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो क्या क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए लिटरेसी रेट हेल्थ एंड स्किल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस भी कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट बढ़िया है हेल्थ रेट बढ़िया है स्किल रेट बढ़िया है वहां के लोगों की क्वालिटी अच्छी होगी

ठीक है <coughs> अब यहां पे हमारा एजुकेशन आपको पता है एजुकेशन डिफाइन द लिटरेसी लेवल एंड द स्किल्स ठीक है ये क्या करता है इन इन रिच द कल्चर इन सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाता है ठीक है हमारे देश के गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए जिससे हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी क्या हो जाए बढ़िया हो जाए ठीक है तो एजुकेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं आइए देखते हैं हम लोग कुछ एजुकेशन लिटरेसी रेट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सेंसस टू की बात है और यहाँ पे नाइनटीन से दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे टोटल पर्सन मेल एंड वुमेन्स ठीक है टोटल पर्सन यहाँ पे मेल और वुमेन्स ठीक है हमारे देश के अंदर लगभग टोटल 20 परसेंट्स क्या थी पॉपुलेशन थी और उम, आ, मेंस की लगभग हमारा वही 28 परसेंट और वुमेन्स की लगभग नाइन टेन परसेंट्स ठीक है इसी तरह धीरे धीरे क्या होता गया ये हमारे कुछ ग्राफ से जो धीरे धीरे आज हमारे देश के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन लगभग सिक्सटी फाइव सिक्सटी एट के करीब है सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट के करीब है और अगर हम देखें तो मेल एजुकेशन लगभग हमारा सेवेंटी फाइव और फीमेल एजुकेशन लगभग हमारा फिफ्टी फाइव फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री के करीब हमारा आ, उमेंस का आ गया लर्न एजुकेट एंड चेंज एक थीम है जहां पे हम इसको फॉलो करके अपने इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं अपने सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं और अपने कल्चर को चेंज कर सकते हैं लर्न एजुकेट एंड चेंज नोदया विद्यालय नवदया विद्यालय आया था जो कि भारत सरकार इसको लाई थी जिसका मेन मोटिव था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ठीक है अब इसके हेल्प से हम गांव गांव से लेकर के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट के एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बजटरी एस्टिमेट्स की बात करें तो हमने क्या किया वॉज फिफ्टी वन 151 वन फिफ्टी वन करोर्स इनक्रीज टू इतना करोर्स इन देंथ प्लान हमने शुरू में जब किया गया था इतना हमारे पास हेल्थ पे खर्चे होते थे अब उसको बढ़ा करके फोर्टी थ्री एट टू फाइव करोर्स कर दिया गया ठीक है लगभग इतना परसेंट हम लोग इतना में बढ़ाए थे ठीक है ये हमारे क्या है ये हमारा बजट इस्टिमेशन है हेल्थ सॉरी एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन में किस तरीके से गवर्नमेंट अपने टोटल बजट का कितना परसेंट एजुकेशन में खर्च करती है तो आपको बता दें कि हेल्थ और एजुकेशन में गवर्नमेंट अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बजट खर्च करती है लेकिन तब भी हमारे देश का दोनों कंडीशन हेल्थ और बजट हेल्थ और एजुकेशन दोनों का दोनों का जो स्थिति है दर बदतर है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था जिसमें आपको कंपल्सरी एजुकेशन ना 2009 में भी आया था 2009 में जो कि आपको uh, 2001 में भी आया था एक एस्टिमेट किया था उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था 2001 में सर्व शिक्षा विमान अभियान ठीक है सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या था कि भैया कंपल्सरी एजुकेशन एज ऑफ सिक्स टू फोर्टीन में हमारा 2005 भी था हमारा 2005 ठीक है ये चीज अब आगे देखते हैं हम लोग बजटरी एस्टिमेट हो गया यहाँ पे प्रेजेंट गोल ऑफ द सर्व शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान का क्या गोल है गोल आप समझ रहे हो शिक्षा अभियान है यानी इसका मेन जो पर्पस है कि हमारे देश के हर एक बच्चों को कम से कम जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी मिले ठीक है हमारे देश के अंदर इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट 1951 से लेकर इतना थे कॉलेजेस इतना हो गए इतना हो गए इतना हो गए धीरे धीरे क्या हुआ यूनिवर्सिटीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ टीचर्स की बढ़ोतरी हुई ये हमारे कुछ हमारे डाटा दिए हुए हैं ठीक है थीके? हेल्थ की बात करते हैं हेल्थ मीन्स फुली रिलाइज हिज पोटेंशियल एंड हिज बी एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी एक हेल्दी पर्सनस क्या होता 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 है? Assets, होता है, healthy persons, healthy है. है, है. है, ठीक ठीक बोझ संपत्ति वो अपना perfect तरीके से, सी के साथ क्या करेगा वर्क करेगा इसका मतलब वो एसेट्स है यहाँ पे कुछ हमारे आ, आगे दिया हुआ है एसेट्स के बारे में देखिए. हमारे देश के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं ताकि आप बहुत कम खर्च में भी इलाज करा सकें आपको बेसिक जो भी टीके टीकाकरण की है वो भी सब अवेलेबल कराई जा रही है ताकि हमारे देश के अंदर हेल्दी बच्चा पैदा हो गवर्नमेंट हेल्थ केयर में हम बात करें प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक है उन्होंने बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर बना दिए हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिए हैं मेडिकल कॉलेज बना के गवर्नमेंट दे रही है ताकि हमारे देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ में सुधार हो पाए ठीक है यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्राइम था डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स की जो थी फिफ्टी वन में अब बढ़कर टू थाउजेंड वन में लगभग बहुत ज्यादा हो गई है कई गुना इसमें बढ़ोतरी हो रही है और गवर्नमेंट का प्रयास है कि अधिक से अधिक हमारे देश के अंदर हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी क्या हो जाए उधर जाए ठीक है लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है देखते हैं आगे क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसे एम पर्सन जो विच आर कैपेबल बट नॉट फाउंड द जॉब ऐसे लोग जो कैपेबल हैं लेकिन जॉब उनको नहीं मिल पा रही है ऐसे लोग को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट समझ रहो भरे पड़े हुए हैं ठीक है इसमें आइए हम लोग कुछ देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया गया है अर्बन एरिया अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र देहात इसमें हम लोग बात करें अर्बन एरिया में तो एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा है ठीक है एजुकेटेड पर्सनस हैं लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है यानी एजुकेशन होने की वजह से सॉरी एजुकेशन है फिर भी उनको जॉब नहीं है यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयड और डिसगाइज अनएम्प्लॉयड दोनों की बात करें अगर हम लोग तो देखिए यहाँ पे सीजनल आप समझ रहे हो सीजनल अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है हमारे गांव में दो सीजन होते हैं आपको मानसून और विंटर सीजन जहाँ पे वहाँ पे लोग क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज इन द फार्मिंग और फार्मिंग के दो सीजन में काम करते हैं हम लोग जहाँ पे सीजनल अनुप्लॉयमेंट सीजन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए पांच लोग का रिक्वायरमेंट है काम करने का लेकिन पांच की जगह पूरी फैमिली आठ लोग है आठ लोग क्या कर रहे हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे काम कर रहे हैं इसका मतलब है कि तीन लोग क्या है अनएम्प्लॉयड है ठीक है यहाँ पे देखे यहाँ देखिये भैया हम न्यू वैकेंसी ला रहे हैं वर्क प्लेस है एम्प्लॉयर आराम से बैठा हुआ है बेस्ट एम्प्लॉय के सिलेक्शन में ठीक है यहां पे हमने देखा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वेरी हाई इन द अर्बन एरिया है बहुत ज्यादा ही है डिमांड सप्लाई के बहुत अधिक है क्योंकि अधिक लोग एजुकेटेड हैं उनको जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना रोजगार नहीं मिल रहा है सीजनल के बात कर रहे हैं आप लोग डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर और आपको बता दें कि एक सीजन के बाद आपको क्या कहना पड़ता है कि कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है और टाइम के लिए आप क्या होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड होते हैं आपको बताया है कि जितने लोगों की जरूरत होती है उससे अधिक लोग अगर उसी काम को कर रहे हैं तो जितने अधिक लोग कर रहे हैं वो हमारा होगा अब इफेक्ट्स ऑफ आँप अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होता है भाई हमारे मैन पावर का वेस्टेज हो रहा है इकोनॉमिक ओवरलोड हो रहा है क्योंकि उनका काम कर नहीं रहे हैं बेचारे बैठ के सिर्फ खा रहे हैं ठीक है इमोशनल ट्रेनिंग हो रही है उनकी भैया इमोशनल फैमिली समझ ही रहो है एम्प्लॉयड अब बंदा ही समझ सकता है कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं ठीक है एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला जो जगह है वो है फार्मिंग मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज इन द फार्मिंग उसके बाद हमारा सेकेंडरी उसके बाद हमारा टर्सरी यानी जो कि सर्विस सेक्टर है ठीक है अब यहां पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड कम अंडर दिस प्राइमरी सेक्टर्स प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है भैया मैं ही उसमें काम भी करूंगा मेरा ही एसेट्स है ना मैंने क्या किया कि भाई मेरा ही पीस ऑफ लैंड है मैं उसी में क्या कर रहा हूं काम भी कर रहा हूं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ठीक है तो अब धीरे धीरे इंप, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड का जो ट्रेंड है बढ़ता जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ है भैया मैं दूसरे से रोजगार मांगने सचा है कि मैं कुछ अपना रोज़गार कर लूँ ताकि मुझे दूसरे पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयड को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए और हमारे देश में सरकार हमारे भारत सरकार जो होती है वो आपके इफ़िशेंसी की और टैलेंट है अगर आपके ऊपर अगर आप चाहते हैं कुछ नया खोलना नया करना सेल्फ एम्प्लॉयड होना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सस्ते में लोन भी प्रोवाइड कर रही है यानी मिला जुला के एक हमारा मेन पर्पस है कि भाई हम देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें देश का इकोनॉमिक का ग्रोथ हो अपने कंट्री के लोगों को रिसोर्स में कन्वर्ट करें उसके लिए गवर्नमेंट यथा यथ क्या कर रही है भाई प्रयास कर रही है तो ये हमारा आज का चैप्टर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत